जगन जेल से भाग निकला है। भाग कैसे गया? वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और हेडक्वार्टर फोन करके एडिशनल फोर्स को भेजने के लिए कहो। ठीक है सर। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, जगन जेल के हॉस्पिटल से झांसा देकर भाग गया है। ओके सर। स्पेशल फोर्स को जल्दी से उसके पीछे भेजो। हाँ बोलो माइकल। जगन जेल में सब कुछ चकमा देकर भाग गया है। सर मैं दीवान बोल रहा हूँ। बोलो दीवान। सर वो जगन जेल से फरार हो गया है सर। क्या? मिल गया, पकड़ो इसे। क्या हुआ तुम लोगों को? उसने हमें पूरी तरह से मारा, हमारी हड्डी पसली एक कर दी। उसे फिर कभी देख लेंगे। आओ चलो बैठो। वाह, नीचे क्वार्टर है, ऊपर वाटर है। उसका मार देख के मेरा नशा ही उतर गया। इस क्वार्टर में वाटर मिक्स करके मोड बनाना ही पड़ेगा, यही बेटर है। तो सच में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है? क्यों, आपको मुझ पर शक है क्या? अरे मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ। आज अपने इलाके में एक्शन सीन देखा। अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? रिस्क ले लेते तो आपका प्रमोशन हो जाता गुरुजी। हर किसी को अपने हिसाब से ड्यूटी करने में कोई बुराई नहीं। अब हम ज्यादा रिस्क उठाएंगे तो हमारा डिस्क ढीला हो जाएगा। चाहे कुछ भी ढीला हो जाए, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा और प्रमोशन लेकर रहूंगा। ए, वो घर की मुर्गी है क्या कि उसे पकड़ लेगा और प्रमोशन पा लेगा? तो फिर प्रमोशन पाने के लिए पहले ऑफिसर की बीबी को शॉपिंग कराना पड़ता है, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, उनके घर में भाजी लेके जाना पड़ता है, तब जाके कई प्रमोशन मिलती है। सर, आप मुझे डरा रहे हैं या खुद डर रहे हैं? अरे मैं फैक्ट कह रहा हूँ यार, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे तू आस लगा बैठा है? प्यारे, तेरे पास तो एक टूटा फूटा डंडा है और क्रिमिनल्स के पास गन है। मान ले तू उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और अपना फर्ज निभाते हुए तू शहीद हो गया,
फिर तेरी नौकरी किसी और को मिल जाएगी। 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, तू ही जरा सोच के देख क्यों हम खाकी वाले वारदात के बाद ही पहुँचते हैं। ये आप नहीं, आपकी ब्रांडी बोल रही है, आप लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं डरने वाला सर। ड्यूटी के समय मैं अक्षय कुमार हो जाता हूँ, वसूली के समय अमिताभ बच्चन या सनी देओल हो जाता हूँ, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। पुलिस मैं तो चला उधर, ये बंजर दिमाग में खेती कर रहा है। तू तो उम्मीद से पहले लौट आया गुरुजी, गर्मा गर्म पड़ी, बहुत जोर की पड़ी गुरुजी। प्यारे, गांधी जी कहते हैं हमेशा सच कहो, और ब्रांडी कहता है हमेशा नशे में रहो। इस ब्रांडी वाले की बात तूने पहले सुन ली होती तो किसी के पीछे भागते हुए तू पिट पिटा के नहीं आता। सुन, घूसा खाने के बाद जो तुझे चोट लगी है उसका इलाज सिर्फ ब्रांडी के पास है। ओम ब्रांडी देवाय नमः। गुरुजी आप मेरे लिए रामायण के साक्षात राम है। आज से तू मेरा सच्चा शिष्य, अब तू हनुमान बन के मेरे आदेशों का पालन कर। पहला आदेश है एक घूंट में खटक ले। ऐसे गुरुजी सबको मिले। जल्दी पी, एकदम प्रोफेशनल लगता है। जल्दी खटक लीजिए वरना मैं नहीं जाऊंगा। यूजलेस फेलो। जगन इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए भी यहाँ से कैसे भाग गया? जूनियर डॉक्टर उसका एग्जामिन कर रहे थे कि अचानक वो हम सब की आंखों में धूल झोंक कर पता नहीं कैसे गायब हो गया। उस पागल की वजह से हमें भी पूरी रात जागना होगा। इस वक्त वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। सर वो मुझे मार के यहाँ से भाग गया। सर सर बोलिए सर। तुम्हें पता है जगन किस तरफ गया है? जुबली चेक पोस्ट के पास उसे आखिरी बार देखा है सर। एक घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड से भागेगा तब भी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। Just block all the roads. क्या हुआ सर, आप इस वक्त यहाँ? एक जरूरी बात बतानी थी कि जगन जेल से फरार हो गया है, हमें शक है वो यहाँ आ सकता है, इसलिए बस चेक करने आया था। और हाँ, इनके इस जगन की कोई भी खबर मिलती है तो हमें फौरन इन्फॉर्म करो, फोन करना, ठीक है? Definitely, sir. आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जगन नाम का एक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हॉस्पिटल से फरार हो गया है। सुनने में आया है कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है और उस पर अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम भी है, इसीलिए पुलिस का कहना है कि वो कभी भी किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है इसीलिए कि वो किसी दूसरों पर हमला करने से पहले उसे गिरफ्तार किया जा सके, और इसीलिए पुलिस ने आदेश दिया है कि हर कोई सावधानी बरते। चिल्लाओ मत, चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा, चुपचाप रहोगी तो कुछ नहीं करूंगा। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इतना ही, आगे के समाचार के लिए हमारे साथ बने। घर में और कौन कौन है बता? घर में और कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऊपर चलकर दिखा मुझे। कहा ना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्यों रे, इतने बड़े घर में अकेली रहती है, डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, अकेले रहने की आदत हो गई है। रुको, ये राम मोहन का पसंदीदा सोफा है, उसमें और कोई नहीं बैठ सकता। राम मोहन, वो कौन है? मेरे हस्बैंड। अभी तूने कहा था कि तू अकेले रहती है, मुझे अंदर से उसका ड्रेस लाकर दे। मेरे हस्बैंड के सोफे पर कोई नहीं बैठ सकता तो उनका ड्रेस कैसे लाके दूं? इम्पॉसिबल। ये आखिरी बार है जो तूने मुझे मना किया, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, चल जा। यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी तेरे साथ ऊपर चलूंगा, ऊपर जाकर तूने पुलिस को फोन किया तो? ऊपर फोन नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। पराए मर्द को मैं अपने बेडरूम में कैसे अलाउ करूँ? जा। तेरी बातों पर पहले से शक हो रहा था, मार दूं क्या? बोल मारो। सॉरी, I'm really sorry. मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। दोबारा ऐसी होशियारी करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। नहीं करूंगी। क्या? छोड़ दो मुझे। तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है ले लो। तेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत ही अच्छी है, करता क्या है वो? रियल एस्टेट में है। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से? Just 5 minutes walk. ए, ये क्या कर रहे हो? मैनर्स नहीं है क्या? अगर मैनर्स होता तो जेल में रहता क्या? उस कमरे में जाकर चेंज करो। कपड़े लाने के बहाने जाकर तूने रिवॉल्वर निकाल ली, अब मेरे कपड़े चेंज करने के बहाने कुछ और किया तो?
ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। कहीं तूने पुलिस को फोन कर दिया तो? मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? फोन डिस्कनेक्ट कर। नहीं करूंगी, राम मोहन के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है। ठीक है, मेरे कपड़े चेंज करके बाहर आने तक तू अपने आप से बड़बड़ाती रहे, समझी क्या? क्या मैं अपने आप में बड़बड़ाती रहूं? मुझे क्या तुम्हारे जैसे पागल समझ रखा है? नो, आई वोंट। बात नहीं करनी है तो गाना गा, गाना नहीं है तो गुनगुना, और अगर वो भी नहीं आता तो डांस कर, कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही होगा। नाचने से अच्छा है कि मैं बड़बड़ाती रहूं। ठीक है, फिर शुरू हो जा। लेकिन किस बात पर? किसी भी बात को लेकर शुरू हो जा, वेदर के बारे में, अपने आप के बारे में, जैसे तुम लड़कियां गॉसिपिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही। अभी भी बड़बड़ा नहीं है, मेरे कपड़े चेंज करके बाहर आने तक तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजनी चाहिए। चल शुरू हो जा। ठीक है, बड़बड़ाती हूँ। पूरे शहर में इतने घर हैं, लेकिन तुम्हें मेरा ही घर मिला। फूटी किस्मत मेरी। मेरी माँ मुझे घूमने के लिए साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही नहीं गई। मुझे यहाँ रहकर शॉपिंग करने का भूत सवार था, इसलिए आज ये सब झेलना पड़ रहा है मुझे। बड़बड़ाते बड़बड़ाते मेरा मुंह दर्द करने लगा। क्यों गई? बोलती रहे? हाँ, बोलती हूँ। मैंने सोचा था यहाँ रहकर बहुत शॉपिंग करूंगी, लेकिन मेरा तो पूरा प्लान ही बदल गया। हेलो, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी फोन कर रही है तू? इस फोन को तो मैं तोड़ ही देता हूँ। प्लीज तुम फोन मत तोड़ना, मेरी माँ रूठी है, उसे मनाने के लिए फोन कर रही थी। प्लीज, दोबारा ऐसी हरकत करेगी तो गोली मार दूंगा। नहीं करूंगी, प्लीज बिलीव मी, नहीं करूंगी। कोई आया है? मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, मैं अंदर रहूंगा लेकिन मेरी नजरें तुझ पर रहेंगी। ज्यादा होशियार की तो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, याद रखना। चल जा। इस कश्मीर की गली को मैं अपने बगीचे में सजाऊंगा और घोड़े की तरह इस पर मंडराता रहूंगा। ओ माय डियर, कम हियर। आप कौन है? मनबाजी, पिज्जा बॉय। मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। तो फिर साहब ने ऑर्डर दिया होगा। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा था। हैरान हो गया हूँ पता ढूंढते ढूंढते। ठीक है, लाओ। मैडम, क्या है? पैसा। किसका? आपने जो हाथ में लिया है उसका पैसा मांग रहा हूँ। ये बिल लाया हूँ, इसे पे कर दीजिए। मैडम, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे क्या? कौन सी? ये पिज्जा मैं अपने हाथों से सर्व करूं? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, यहीं खड़े रहो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आपकी मर्जी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई अप्सरा उतर आई हो। अरे वाह, क्या है चीज, ऊपर से इसका कट पीस। साहब लगता है बहुत बड़े बैट्समैन है। बापरे, साहब के बैट पर तो धूल जमी हुई है। ये लो। साहब आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या? क्यों? बैट पे धूल जमी हुई थी इसलिए कह रहा हूँ, लगता है T20 खेले जमाना हो गया। उसे तुम्हें क्या लेने देना? बैट का सही इस्तेमाल ना हो तो मुझे अफसोस होता है। बहुत टाइम पास हो गया, चलो निकलो। मैडम, मैं भी एक अच्छा बैट्समैन हूँ, एक बार मुझे खेलने का सही मौका मिल जाए तो एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता हूँ मैं। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, तुम यहाँ से निकलो। बाप रे, आप तो नाराज हो गई। आई विल बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, आपके फोन का इंतजार करूंगा, प्लीज जल्दी फोन कीजिएगा। आप पिज्जा के लिए तो क्या मैं चलूं? अपने आप आ जाओगे या धक्का देकर निकालू? ओके, बैक। बाय द वे, माय नेम इज। मौका देकर चौका मारना था लेकिन इसने मुझे धक्का दे दिया। कभी ना कभी तो लाइन पर जरूर आएगी। तुम दोनों में इतनी क्या बातें हो रही थी? मेरा कोई दोस्त नहीं था जो उससे बातें करती रहूंगी मैं। तो पहले क्यों नहीं निकाल दिया उसे? निकाल तो दिया लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। उसकी गलती नहीं, तेरी गलती है। अच्छा, अगर वो जा नहीं रहा था तो उसमें मेरी गलती है? तू है ही इतनी खूबसूरत कि तुझे छोड़ के कोई जाना ही नहीं चाहेगा। तू यही रुक, मैं देखता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तूने पुलिस को बुला ही लिया, तेरी तो। सच में मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने किसी को भी फोन करके नहीं बुलाया। जाके देख क्या मैटर है, और मेरे बारे में कुछ कहा तो उनके साथ तुझे भी मार दूंगा। चल जा। हेलो ज्योति। आइए डॉक्टर।
कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वैसा कुछ नहीं है बेटा, राममोहन से बिजनेस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। कितनी बार मैंने उन्हें फोन लगाया, हर बार स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए सोचा खुद ही आकर मिल लूं। वो घर पर नहीं है, वो मुंबई से अब तक लौटे नहीं है, काफी दिन हो गए हैं। हाँ, बाय द वे, ही इज मिस्टर श्रीमान, यहाँ के इंस्पेक्टर। एक पागल कैदी हमारे जेल के हॉस्पिटल से फरार हो गया जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो बहुत ही डेंजरस आदमी है, तुम जरा संभल के रहना। ओके अंकल, मुझे तो बताओ ना बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अंकल, आपने उस कैदी के बारे में बताया ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। राम मोहन आए तो कहना कि मैं आया था। ओके, हम लोग चलते हैं श्रीनाथ। हाँ जी चलिए, अपना ध्यान रखना। ओके अंकल। आई आंटी, तुम कैसी हो बेटा? ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे इसकी वजह से। ओहो, बारिश में इस तरह भीगा कर लाने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक ये भीगेगा नहीं, इसे रात भर नींद नहीं आएगी। दिन भर ये पानी में ही खेलता रहता है, मेरा प्यारा लड्डू। तेरे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? मैं कुछ लाती हूँ। अरे तू क्यों जाएगी, मैं खुद ले आती हूँ ना। चल बेटा आजा आजा, आजा आजा, हम लोग ही चलकर देख लेंगे। अरे रुकिए तो आंटी, मैं देती हूँ ना। कोई बात नहीं बेटी, मैं खुद ले लूंगी। ए बेटा, एप्पल है, खाएगा तू? हां खाऊंगा। गुड। और ये मेरे लिए, मैं घर में जाकर पीऊंगी अपने पति के साथ। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह घूर क्यों रही हो? ओ मेरे झुमके पसंद आए तुझे? वो मेरी माँ के यहाँ गिरवी रखे थे ना, वो अभी छुड़ा कर लाए हैं। देखो बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। पैसे की जरूरत पड़े तो उसे भी ब्याज पे दिला दूंगी। जैसे तेरा व्यवहार है वैसा मेरा भी है, आखिर पड़ोसी जो है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मम्मी मुझे गन चाहिए, मुझे गन चाहिए। अरे बेटा तुझे बाजार में से गन दिलवा दूंगी, अब ये तो फ्रूट जूस पी ले। हाँ अरे दिवाली तो आने दो, बड़ी सी गन दिलवा दूंगी। चल बेटा। उस औरत को किचन में क्यों आने दिया? मैंने कहा आने दिया उसे, खुद ही घुस आई। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बताया, वो हमेशा से ऐसी ही है। वो मुझे देख लेती तो क्या होता, तुम उसे भी जान से मार देते। जो एक खून कर चुका है उसके लिए दूसरा खून करना क्या पड़े? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। जैसा तुमने कहा मैंने वैसे ही किया, तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताया, तुम यहाँ हो ये बात पुलिस को भी नहीं बताई, और फिर भी तुम मुझे मार रहे हो। रोना थोड़ा बंद कर, मुझ पे क्या बीती है ये तुझे नहीं पता, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। किसी और की गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं पूरी तरह फंस गया। तो पहले मेरी पूरी कहानी सुन ले, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। राम मोहन तो बहुत ही किस्मत वाला है। वो किस लिए? उसे तेरे जैसी प्यारी बीवी जो मिली है। इस मामले में मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ। अच्छा वो कैसे? तुम्हारे जैसा टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, सक्सेसफुल पेंटर जो मिला। काश मेरी किस्मत भी उतनी अच्छी होती। हाँ मुझे याद आया, एक दिन न्यूज चैनल में तुम्हारे बारे में बहुत बता रहे थे, असल में हुआ क्या था? अभी अभी तो मैंने तुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू किया है, जब पूरी कहानी सुनेगी तो तू रो पड़ेगी। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, फिर एक दिन वाले को ठोका तो उसका रिपेयर का खर्चा और सिग्नल का फाइन, जो बच जाता है वो रख लेना। हे इडियट, थैंक यू कहने की बजाय पैसे दे रहा है, बदतमीज। डॉक्टर साहब बाहर विजिट में गए हैं, कब आएंगे मुझे पता नहीं। एक्सक्यूज मी, आईसीयू किस तरफ है? उस तरफ है, उस तरफ। हाँ Yes. O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, मैं टीवी में एड देख कर आई हूँ। आप लेट हो चुकी हैं, इन्होंने ऑलरेडी खून दे दिया है। हाय। हाय, जगन। सर टीवी में जब खबर सुनी तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, थैंक्स फॉर सेविंग लाइफ। ये तो मेरा फर्ज था, वैसे जिंदगी बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हेल्प करना तो अच्छी बात होती है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स सर। ये पीस पैक कर दीजिए। अरे सॉरी सर, ये पीस ऑलरेडी मैडम खरीद चुकी हैं। तो ऐसा कोई और सेम पीस भी तो होगा। नहीं है सर,
आपको कोई दूसरा मॉडल चलेगा? रुकिए, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। मैडम थोड़ी टेढ़ी है, जरा संभल कर बात करना। औरतों को बोतल में उतरना मुझे अच्छे से आता है। ओ, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी आंटी। हाँ, क्या है? मैं तुम्हें आंटी दिखाई दे रही हूँ। अभी आपकी उम्र ही क्या है? मुझे बताना भी नहीं है। आपका ये मोबाइल मुझे चाहिए। मैं नहीं देना चाहती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अरे समझने की कोशिश। मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं छोटी दुकानों में आना नहीं चाहती। ये छोटी दुकान है क्या? तो फिर इसका पेमेंट तो कीजिए। पेमेंट मेरे पति लाकर देंगे, मैं नहीं लाई हूँ। ओह गॉड। कितनी आदर्शवादी जोड़ी है आपकी मैडम। साहब अक्सर आपके साथ आते हैं, आज क्यों नहीं आए जब आप ये मोबाइल लेने आए? ये मोबाइल तू ही रख ले, खटारा मोबाइल की मुझे जरूरत नहीं है। ओह, साहब को किसी अच्छे मौके पर तोहफा देने का इरादा है क्या? स्टॉप इट। मुझे इसी वक्त मैनेजर से मिलना है। अरे देखते ये क्या बोल रहा है। क्या हो गया मैडम? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे कम्प्लेन करनी है। देखिए मैडम, हम तो मोबाइल बेचते हैं, ये तो मोबाइल स्टेशन है। कम्प्लेन के लिए पुलिस स्टेशन जाइए। मैं कम्प्लेन दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी। तुम्हारी शॉप को जल्दी ही ताला लगवा दूंगी। आपका मोबाइल लॉक हो गया, इसलिए आप मेरी दुकान लॉक कराएंगी? जोक लग रहा है, मैं अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। आप बिल लाई है मैडम? घर पे भूल गई। मोबाइल तो होगा? वो भी नहीं है। बिल या मोबाइल कुछ तो लाइए, तभी मैं कुछ करूंगा। वो मैं बाद में ले आऊंगी, पहले मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। अरे जब 4 नंबर दबाती हूँ तो 9 नंबर लग जाता है। बहन को फोन लगाती हूँ, कहीं और लग जाता है। कल मैं मेडिकल शॉप में फोन कर रही थी कुछ दवाई के लिए, तो वाई शॉप में लग के वोट का मेरे घर पहुँच गया। मैडम मोबाइल का मॉडल नंबर बताएंगी? वो याद नहीं है, देख कर बाद में बता दूंगी। तो अपना झगड़ा बाद में करना, पहले मोबाइल का बिल मुझे दे दे, मुझे घर जाना है। हाँ मैडम, ये लीजिए। ये देखो सेम मॉडल। क्या ये मॉडल है? ये मोबाइल की बहुत कंप्लेंट आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ले। चल बेटा चलो। देखो बुरा मत मानो, मैं इसे खरीद लेती हूँ। आप खरीदेंगी? जी हाँ। अभी तो इसके बारे में कंप्लेन कर रही थी। एक ही पीस था ना, इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। ओह माय गॉड। लाइए दीजिए। मैडम बिल। हेलो 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 हेलो। हाय। तुमने पहचाना मुझे? बिल्कुल पहचाना, आपने उस दिन मेरी हेल्प जो की थी। मैं भी नहीं भूली हूँ। लेकिन क्यों, वो तो हम दोनों की पहली मुलाकात थी। आपने किसी को खून देकर उसकी जान बचाई है, ये बहुत बड़ी बात है। वो बात आप कैसे जानती हैं? उस दिन ब्लड देने के लिए मैं भी वहाँ पहुँची थी, लेकिन जाकर देखा तो आप भी वहीं थे। अच्छा, उस दिन अगर आप मुझे टाइम पर लिफ्ट नहीं देती तो मैं ब्लड कैसे दे पाता? बाय द वे, आई एम संजना। आई एम जगन। दिस इज फॉर यू। जी मैं नहीं लूंगा। ले लीजिए ना प्लीज। देखिए मैं नहीं ले सकता। देखिए जब भी कोई मुझे इनकार करता है मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब कोई हाँ कहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप ये मोबाइल ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज ले लीजिए। नो थैंक्स। मेरी दी हुई चीज के लिए पहली बार किसी ने ना कहा है, कोई और होता तो तुरंत ले लेता और बदले में मुझे रिटर्न गिफ्ट भी मिलता। मेरी खुशी के लिए ले लीजिए प्लीज। ओके। देखो न जाने किन ख्यालों में खोई हुई है। क्यों जानकी, किन ख्यालों में डूबी हुई है? मैं ख्यालों में नहीं डूबी थी, प्यार में खोई हूँ। वाओ, कौन है वो खुशनसीब? मैं उससे प्यार करती हूँ, ये बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप किसके ख्यालों में डूबी हुई थी? सेम, मैं भी किसी के ख्यालों में खोई थी। रियली, कौन है वो राजकुमार जो आपसे प्यार करता है? वो भी मेरे प्यार से अनजान है, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। मुझे बता रही हो? समझ गई। लेकिन मुझे आपसे एक बात जाननी है। वो क्या है? हम लोग प्यार करते हैं सही है, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि वो हमसे प्यार करते हैं या नहीं? पता है, ये जानने के लिए मेरे पास हाउ टू जज योर लवर की एक बुक है, उसमें से हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। रियली? यस। तो अब उस रास्ते के लिए मैं वो बुक ले आऊं? हिचकी आ रही है, कोई तुम्हारा इंतजार थोड़ी कर रहा है, जरा धीरे से खाओ। सर बिल। अब तुम्हें किसका इंतजार है, चलो बिल पे करो। समझ नहीं आता इसे अपने दिल का हाल कैसे बताऊं। शिट। क्या बात है संध्या, कुछ कहना है क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे क्या हुआ?
पैर में मोच आ गई। अचानक मोच कैसे आ गई? वो क्या है ना, मेरा नया सैंडल जरा टाइट है इसीलिए। टाइट हो रहा है तो दुकान में ही चेक करना था। ऐसे लापरवाह लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं है। संध्या तुम्हें हर बात में केयरफुल रहना चाहिए। इतना बड़ा बेवकूफ है, कहां इसे मुझे संभालना चाहिए, उल्टा मुझे ही लेक्चर सुनाने लगा। ऑटो बंजारा हिल जाओगे। बैठिए, बैठो। तुम नहीं आओगे? अरे चलो यार, संभाल के ले जाना। ठीक है सर। क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों है? तू अपनी बॉयफ्रेंड को लगता है ठीक से इम्प्रेस नहीं कर पाई? पता नहीं वो मुझ पर क्यों बरस पड़ा। क्या हुआ, बताएगी इतनी उदास क्यों है? मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ दीदी, मेरी अदा देखकर मेरा बॉयफ्रेंड शॉक हो गया था, उसके बारे में सोच रही थी। ओह रियली, तो फिर वहाँ क्या हुआ बताना मुझे। जरा धीरे खाओ डार्लिंग। ऐसा हुआ था दीदी, आप क्या सोच रही हो? मैटर पॉजिटिव है ना? क्यों नहीं होगा, डबल पॉजिटिव। हम दोनों साथ साथ जब रोड पर चल रहे थे, पता है क्या हुआ? मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी मुलाकात तुमसे हुई। क्या बात है, मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारी ये अदाएं, तुम्हारी ये बातें, ये खूबसूरती और न जाने कितनी चीजें हैं। अच्छा हा? इतनी स्पेशल हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। अरे क्या हुआ? सैंडल टूट गई मेरी। ओह गॉड, मेरा पैर जल रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ऑटो चप्पल टूट गई तो नई चप्पल खरीद कर दी, वो आपसे बहुत प्यार करता है दीदी। एग्जैक्टली राइट गेस, ग्रेट। हमारा फॉर्मूला परफेक्ट वर्कआउट कर रहा है, हमारे बॉयफ्रेंड्स हमसे सुपर लव करते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अब अपने प्यार को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। सही दीदी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से फोन करके पूछती हूँ दोबारा कब मिलेगा। ओके ओके, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। वाह सुपर। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी। हाय जानकी, व्हाट अ सरप्राइज। तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो, ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? तुम दोनों से मैं मिलता हूँ, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? जानकी डियर, जो मेरे दिल में चल रहा है वही तुम्हारे दिल में चल रहा है क्या? इस गुस्ताखी के लिए आई एम सॉरी। क्या बात है, दोनों हंस क्यों रही हो? इन्होंने मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम सॉरी कहा है। फर्स्ट टाइम? इससे पहले तुम दोनों को ये बात पता नहीं थी? मैं भी आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, ये मेरी बहन है। दीदी को तुम कैसे जानते हो? यही बता दूं या अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक्स। तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा आपकी पेंटिंग को अवार्ड मिला है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। आओ बैठो। फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आई हो, कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक्स? पहले मुझे एक बात जाननी है। हाँ बोलो ना। दीदी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन? हाँ। वो कैसे? उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में ब्लड देने जा रहा था, तब हॉस्पिटल में तुमने मदद की थी और आते समय इन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। सॉरी जगन, थिएटर से हॉस्पिटल के लिए शॉर्टकट रास्ता भी है, मुझे पता नहीं था। पिक्चर की टिकट ना मिलने की वजह से मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी और आपको भी भटका रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओह ग्रेट, तो हम तीनों का एक दूसरे से ब्लड रिलेशन है। अच्छा हमारी बातें बहुत हुई, कुछ अपने बारे में भी बताइए। मॉम डैड कोई भी नजर नहीं आ रहा, बाहर गए हैं? नहीं कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सॉरी अगेन। इट्स ओके, शादी के बाद अकेला नहीं रहूंगा। क्या बात है, कुछ सोच रही हो क्या? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। थैंक यू। अगर बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ मांगो। या श्योर। तुम्हारा फोन नंबर? 99490 1 2 3 4 5। थैंक यू जगन। अच्छा अब हम चलते हैं।
संध्या बेटी संध्या, आइए आइए अंकल, बैठिए ना। तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। जानकी देखो अंकल आए हैं। हाय अंकल। हाय, आओ बैठो। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। रहने दो, अभी पीकर आया हूँ। क्या बात है अंकल, आज आप कोर्ट नहीं गए? वहीं जा रहा हूँ, उससे पहले तुमसे एक जरूरी बात करनी थी इसीलिए आया। कोई जरूरी बात है जो कोर्ट से पहले आप यहाँ आए? तुम्हारी शादी के बारे में संध्या, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत ही अच्छा है, नाम है अजय, उसका खानदान भी नामचीन है। लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी। पहले लड़के से मिल तो लो, उससे बात करो, लड़का तुम्हें पसंद आएगा तो शादी की बात करेंगे। तुम दोनों की मुझे बहुत फिक्र रहती है। तुम क्या सोच रही हो दीदी, ये मैं समझ गई। एक बार मिल तो लो, अच्छा लगे तो हाँ कहना, नहीं तो ना कह देना। अंकल बहुत मेहनत करके एक अच्छा रिश्ता लाए हैं, लड़के से एक बार मिल लो दीदी। अंकल वो लड़का दीदी से कब मिल सकता है? अजय शादी से पहले मिलना नहीं चाहता है बेटी। वो क्यों? वो थोड़ा शर्मीला है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हेलो। हाँ बोलो संध्या। तुम कहाँ हो जगन? तुम कहाँ हो? मैं हमारे घर के पास के रेस्टोरेंट में हूँ। अरे मैं भी रेस्टोरेंट पहुँचाऊँ, मैं आ गया, तुम कहाँ हो? रुको रुको रुको, मत आओ। लेकिन मैं तो आ गया। क्यों आए तुम? मैंने मना किया था ना। अरे मैं पास में ही था जब तुमने कॉल किया था, तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। अच्छा बैठो। पता है सुबह से मैं यहाँ दूसरी बार नाश्ता कर रही हूँ। करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। एक्सक्यूज मी। यस। संध्या। या, और आप? मैं अजय हूँ। हाय अजय। हेलो। बैठिए ना। बाय द वे, ही इज माय फ्रेंड जगन। देखो मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। एक्चुअली मैं भी यहाँ आपसे मिलने ही आई हूँ। किसी और के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। सॉरी, ये तुमसे वहाँ मिलना चाहते हैं जहाँ पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम इनसे मिलने वाली हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हें जब सब पता है तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पहुँचने में देर हो रही थी इसलिए। तो तुमने दूसरे को फांस लिया, तो हमारी शादी के बाद भी तुम मेरी पीठ के पीछे यही सब करोगी, मर्दों को फांसोगी? हाँ तुम्हें मर्दों का इतना शौक है तो फिर मेरी जरूरत क्या है? और ये अकेला ही है कि और भी बहुत सारे हैं? मुझ पे हाथ उठाया तूने, बहुत ताकत है ना तुझमें? तुझे मारने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत की जरूरत है, और मुझमें हिम्मत की कमी नहीं है। तो शुरुआत में ही ऐसा है तो फिर शादी के बाद क्या करेगा? औरतों की इज्जत करना सीख, वरना जिंदगी में तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तुझे पैदा करने वाली और राखी बांधने वाली भी एक औरत है, ये इंसान तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है। तू मुझ पर हाथ उठाकर मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है? ये बेइज्जती नहीं भूलूंगा मैं, कभी नहीं भूलूंगा। देख लूंगा तुम दोनों को। आई एम सॉरी, लेकिन वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम ना होते तो इसका असली चेहरा नहीं पहचान पाती। छोड़ो, हम कुछ और बातें करते हैं। वैसे एक और जगह है घूमने के लिए। क्या अंकल इन्हीं का रिश्ता लाए थे? नहीं जानकी, ये वो नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ। चलते हैं जगन, बाहर चलो, बाद में बताती हूँ। दीदी दीदी। क्या बात है जानकी? जगन जी बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान है ना? बिल्कुल, लड़कियों की इज्जत करने वाले आजकल मिलते कहाँ हैं? वो लड़की किस्मत वाली होगी जो उनसे शादी करेगी। सही कह रही हो। वो लड़की मैं ही हूँ। वो लड़की मैं हूँ। भूल गई थी। कैसे भूल सकती हूँ? तुम इतनी लेट आई हो और कह रही थी कि कुछ अर्जेंट काम है। वेट करना पड़ा, तुम इसीलिए नाराज हो? नहीं तो मैं तुम्हें क्या कहने वाली हूँ ये जानने के लिए उतावले हो? उतावला तो नहीं हूँ। एक बात बताओ, यहाँ किस करने के लिए तुमने मुझे बुलाया है या गुस्से में तमाचा मारने के लिए? मंगलसूत्र दे इसे। कौन हो तुम लोग? चल बहना इसे। ये सब हो क्या रहा है? चल मंगलसूत्र बांध। तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले? हम लोग सभ्यता संस्कृति के रक्षक हैं। आज फरवरी 14 है, आज के दिन हमें जो भी जोड़े मिलते हैं हम उनकी शादी करवा देते हैं। ए, मंगलसूत्र बांध। नहीं बांधूंगा। मंगलसूत्र नहीं बांधेगा तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। देख मीडिया वाले भी खड़े हैं। ए लारे, खैरियत चाहता है तो मंगलसूत्र बांध। हाँ चल बांध बांध।
मशहूर पेंटर जगन जी का संध्या नाम की लड़की के साथ प्यार करते हुए रंगे हाथ पकड़कर शंकर दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी शादी करवा दी। इसी तरह शहर में और भी कितने लोगों की शादी करवा चुके हैं ऐसी खबर है। कैमरामैन गंगाधर राम बाबू के साथ मैं विनायक, ओवर टू स्टूडियो। जय शंकर सेना, जय शंकर सेना, जय शंकर सेना, जय शंकर। कांग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू। कांग्रेट्स आपको भी। जिसका आप सपना देखती थी उसी के साथ आपकी शादी हुई। लाइफ सुपर्ब। जीजा जी, काम बाद में कर लीजिए, पार्टी के लिए देर हो रही है, अब तक आप तैयार नहीं हुए। देखो जानकी, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ, बैंगल्स उतार रही हो, पार्टी में नहीं जाना? आज पार्टी वार्टी कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, जीजू ने मना कर दिया है। जीजू ने मना किया है? ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, तुम जाओ और तैयार हो जाओ। क्या हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, आज हम सबको पार्टी में जाना है। कहा था लेकिन मैं नहीं आ सकता। शादी के बाद आज पहली बार अंकल ने हमें इनवाइट किया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। सॉरी संध्या, मैं नहीं आ सकता, तुम दोनों जाकर आ जाओ ना। तुम अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो अंकल को बुरा लगेगा, ऑलरेडी जानकी भी अपसेट है, अब चलो ना। मुझे किसी भी हालत में ये पेंटिंग आज पूरी करनी है, तुम जाओ। जब देखो पेंटिंग पेंटिंग करते रहते हो, हमारी एनिवर्सरी से बढ़के तुम्हारे लिए तुम्हारी पेंटिंग है, जब यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? पार्टी में तुम क्यों नहीं आए ये पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें पार्टी में चलना ही होगा। अब इस पेंटिंग को बाद में कंप्लीट कर लेना। अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गया तो बस कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। मेरी फीलिंग्स की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी एम्बिशन की परवाह क्यों करूं? संध्या मेरा कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट मत करो, ये पेंटिंग पूरी होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे दिन हो या रात हो। चलो ब्रश इधर लाओ। मतलब मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए ये पेंटिंग है? तुम्हें जो समझना है समझ लो। आज इस पेंटिंग या मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। ये तुमने क्या किया? पर इतने हिम्मत? हेलो, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन, आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर मेरी दीदी का मर्डर हुआ है। जगन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों? तुमने अपनी पत्नी का खून किया इसीलिए। मैंने इसका खून नहीं किया सर, ये मुझसे जिद करने लगी तो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हो गया था। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुस्से में आकर इन्होंने मेरी दीदी का मर्डर किया है, प्लान करके इन्होंने मेरी दीदी को मार डाला। जानकी क्या बकवास कर रही हो, मैं संध्या को क्यों मारूंगा? जगन तुम चुप रहो, आप बताइए मैडम। आज हम सब पार्टी में जाने वाले थे, मैं हॉल में थी और दीदी जीजू के साथ कमरे में अकेली थी, और जब रेस्टोरेंट से मुझे फोन आया उस समय मैं दीदी को बुलाने के लिए अंदर आ गई और मैंने देखा कि दीदी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इन्होंने मेरी दीदी को मारा है। सर मैंने नहीं मारा है। सर आपने ही मारा है। कहा ना संध्या को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। जगन तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाकर ही कहना। विवान सर अरेस्ट टाइम। यस सर। योर ऑनर, मशहूर चित्रकार जगन पहले से ही एक मानसिक रोगी है, अगर ये गुस्से में आए तो किसी की भी जान ले सकता है, अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाए तो कब क्या कर बैठे इसे खुद पता नहीं होता। ऐसे ही मानसिक हालात की वजह से इसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जो सबूत और गवाह मैंने पेश किए हैं उस आधार पर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। योर ऑनर, अगर ये लोग कह रहे हैं तो मैंने ही अपनी बीवी को मारा होगा, इन्हीं हाथों से मैंने उसे मारा, उसकी सांसें रुकने तक उसे मारा। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मैंने नहीं मारा, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। केस जरा पेचीदा किस्म का हो गया है, मुजरिम जगन ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का खून किया ये कोर्ट मानता है, साथ में ये भी मानता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाए। कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ सीआईडी के स्पेशल ऑफिसर प्रताप को लीगल व्यवहार को जांचने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर शर्मा जी को नियुक्त किया जाता है। आइए वकील साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। ही इज मिस्टर माइकल, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। जगन के ट्रीटमेंट में और कितना समय लगेगा? अभी तक हम इस केस में किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं, उसके पागलपन में कोई भी कमी नहीं आई है। आप ही सोचिए कि जो शख्स अपनी बीवी का खून करने से नहीं कतराता हो उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ होगा। कानूनी दावपेच से बचने के लिए ये एक अच्छा पैतरा हो सकता है, इसीलिए वो पागलपन का नाटक कर रहा है। बिल्कुल सर,
करोड़ों रुपया घपला करने वाले मंत्री से लेकर गली के गुंडे तक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं सर। हाँ, लेकिन ये केस जब से मैंने अपने हाथों में लिया है तब से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लगता है जैसे उसे कोई बात खाई जा रही हो। आप उसे एक पेशेंट की नजर से देख रहे हैं, लेकिन हम कानून की नजर से देख रहे हैं। मैं उससे एक बार मिल लूंगा तो पता चल जाएगा कि वो सच में पेशेंट है या कानून का मुजरिम। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? यहाँ लफड़ा, यहाँ महा लफड़ा, और बीच में मैं ब्रेक डांस कर रहा हूँ। साहब लोग दिमाग चलाने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। हाँ सर, बोलिए। वो रूम नंबर 3 के पेशेंट जगन को जरा यहाँ लेकर आइए आप। वो रूम में रहता है तो कैसा बर्ताव करता है? तब भी वो वैसी ही हरकत करता है। वो पागलपन की हरकत नहीं है, ओवर स्मार्ट है। मैं बाहर से यही बातें सुनकर आ रहा हूँ। पेंटिंग के अलावा और क्या करता है? कुछ खास नहीं, अकेला बैठकर सोचता रहता है। आओ जगन, देखो तुमसे मिलने के लिए वकील साहब आए हैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये लॉयर शर्मा जी हैं। हाय जगन। पियोगे सिगरेट? क्या बात है जगन, कमरे में अकेले रहने की वजह से तुम्हें इरिटेशन होती है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, पहले ये बात बताओ। लॉयर साहब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, बेहतर होगा तुम इन्हें कोऑपरेट करो। मदद? क्या करेंगे? मुझे पागल साबित करेंगे क्या? और अगर नहीं साबित किया तो मुझे जेल भेज देंगे। अगर मैं पागल साबित हो गया तो मुझे इसी अस्पताल में सड़ना होगा। मुझे इनकी कोई मदद नहीं चाहिए। जगन, ये तुम नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। जी हाँ सर, मैं इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ सर, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। ये मुझे बचा लेंगे ना? प्लीज सर, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। धोखेबाज, तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे जाओ, क्या कर रहे हो? अरे तमाशा बना रखा है। मुझे नहीं लगता ये सचमुच पागल है, ये सबको धोखा दे रहा है। बेचारी वो बच्ची, डेफिनेटली यही उसका कातिल है। अब आपसे और क्या बोलूं, मुझे भी लगता है इसी ने मारा होगा। वकील साहब, जब इसे गुस्सा आता है तो ये आपे से बाहर हो जाता है, और कभी कभी तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बेहतर ये लगता है कि इसे जेल ना ले जाकर यहीं रखा जाए। इसे वो कैनवास और पेंट कहां से मिलता है? ये पेंटर है, ये जानने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ही सलाह करके दिया है। और ये लाइट का इंतजाम चकर हमारे डॉक्टर को मारकर भाग निकला है सर। Oh,
दोष हूँ ये तो भगवान ही जानता है। मेरी कहानी तो तुमने सुन ली, अब तुम्हारे और राममोहन के बारे में कुछ बताओ। राममोहन मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। दिन रात हर वक्त वो बिजनेस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और बस पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। कभी अगर मेरा घूमने का मन करे और उनसे वीकेंड्स पर भी पूछती हूँ तो कहते हैं टाइम वेस्ट है। महीने में 20 दिन तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश में ही रहते हैं। चार जगह से एंट्रेंस है और इतना बड़ा बंगला बना लिया है, जब डोरबेल बजती है तो पता नहीं चलता कि किस डोर पे बज रही है। इतने बड़े बंगले में अकेले रहना मतलब नरक में रहने से भी बदतर है। ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया है? छोटी छोटी बातों में जो खुशी मिलती है वो बात मेरे पति क्या जाने। खुशियाँ वहाँ नहीं मिलती जहाँ बेशुमार दौलत बरसती हो, बल्कि वहाँ मिलती है जहाँ प्यार होता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो दुख भी होता है। तुम इतने फेमस पेंटर होकर उस गुनाह की सजा भुगत रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है, ये जानकर बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं पागलों जैसी हरकत करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सच में एक दिन मैं पागल हो जाऊँ। ओके बताओ लास्ट टाइम कब हंसे थे? पता नहीं। जितने दिन तुम यहाँ हो बस हंसते ही रहोगे। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। hey, अपना दर्द दूसरों के साथ बांटने से दिल को कितना सुकून मिलता है पता है तुम्हें? तो फिर चलो हंसो। देखो हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। Really? अब तुम इसी तरह हमेशा हंसते रहना। ओके? जाओ देखो कौन आया है। आइए अंकल, आप इस तरह से घूर क्यों रहे हैं मुझे? मुझे पता है वो यहीं पर है। कौन अंकल? मैंने पूरा शहर छान मारा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो यहीं पर है। अंकल आप किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं क्या? अरे वही जॉनी वाकर को। ओह, वो ब्रांड तो खत्म हो गया है अंकल। एक बात जान लो, टेस्ट लेकर कौन सा ब्रांड है ये बताने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन खुशबू से ब्रांड बताने वाला अकेला मैं ही हूँ। देखो उस रैक के अंदर जॉनी वाकर रखा है, उसे जाकर ले आओ, जल्दी करो। ले आती हूँ। राम मोहन जी भी एक भगवान स्वरूप इंसान है और ये बेचारी भी सचमुच एक देवी है। राम मोहन जी पैसा कमा कर दारू खरीदते हैं और ये उन्हें लोगों में बांट कर उनका उद्धार कर रही है। ये लीजिए अंकल, संभाल के। बहुत बहुत थैंक्स, तुम्हारे जैसी दानी औरत की वजह से ही राम मोहन जी और 100-200 साल जिएंगे। अच्छा राम मोहन जी कब आने वाले हैं? आज आ जाएंगे वो। हाँ वो आए तो उन्हें कहना मैंने उन्हें याद किया, जॉनी वाकर का बोतल लेके जा रहा हूँ ये भी बता देना। ठीक है अंकल। और हाँ एक बात और, ये जॉनी वाकर के चक्कर में मैं बताना ही भूल गया, एक पागल जेल से भागकर इधर उधर कहीं भटक रहा है, इसीलिए ओवरटाइम कर रहा हूँ और ओवर कोटा पी रहा हूँ। बेटी तुम जरा संभाल के रहना, ठीक है? ठीक है अंकल। लेकिन मेरे डर से वो यहाँ नहीं आएगा, फिर भी अगर डर लगे तो तुम फोन कर देना, मेरा नंबर है 840940। ठीक है अंकल। ओके थैंक यू बेटी, मैं चलता हूँ। सिगरेट है क्या? ओह सॉरी, इस वक्त यहाँ पर अचानक ये पुलिस वाला कैसे आ गया? एक्चुअली ये हमारी पार्वती आंटी के हस्बैंड हैं। हम ठीक हैं या नहीं ये जानने के लिए अक्सर आते रहते हैं। इवनिंग के समय पर वो मेरे हस्बैंड के साथ पीते भी हैं। नाइट में कभी कभार बॉटल भी ले जाते हैं, समझे? अब मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। तुमने देखा कौन है? नहीं मैंने नहीं देखा। ए, प्रताप जी क्या कहते हैं पता है तुझे? क्या कहते हैं सर? फरार मुजरिम को किसी तरह से पकड़ के ला। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर मैं पकड़ के लाता हूँ तो आप अपने पर्सनल ड्यूटी से मुक्त कर देंगे। अच्छा, जगन के बारे में तुम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली? कोशिश जारी है सर, देखते हैं गिरफ्तार कर लेंगे। डेफिनेटली वो इसी एरिया में छुपा होगा, सबके सब अलर्ट रहो। ओके सर। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे बताओ। ठीक है सर। चलो।
प्रताप साहब अब राउंड पे चले गए, हमारा राउंड तो बाकी रह गया है। मैं सब पूछ लूं, पूछता हूं। साहब 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 बोलो। ठंडी से हाथ पर कांपने लगे। क्यों, क्या हुआ? इसीलिए थोड़ी सी दवा, अगर इस वक्त दवा कहाँ मिलेगी? सर मैं इसका इंतजाम पहले से ही रखता हूँ। तुम इस वक्त यूनिफॉर्म में ये मत भूलना। हाँ। पूरे टल्ले मत हो जाना। नहीं सर, चलो जाओ यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आते हैं सर। कहा था तुम्हारे सिवा घर में कोई नहीं है, ये बात सच है ना? हाँ सच है। बिल्कुल झूठ, मैं सब जान चुका हूँ। क्या जान चुके हो तुम? वही वही जो बाथरूम में लाश पड़ी है। बाथरूम में लाश पड़ी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। याद रखना, मेरे बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मैंने एक चीख सुनी इसीलिए यहाँ पर आ गया। आप सेफ तो है ना? मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, नो प्रॉब्लम। राम मोहन जी आए क्या? अभी तक तो नहीं। बेडरूम के होते हुए यहाँ पर कौन सोता है? वो राम मोहन आकर बेल बजाते हैं तो अंदर तक सुनाई नहीं देती, इसीलिए मैं यही सोचाती हूँ। ठीक है, मुझे घर की तलाशी लेनी है, आप मेरे साथ चलिए। ये कौन सा रूम है? ड्राइंग रूम है। और उस तरफ क्या है? होम थिएटर रूम। वो वहां उधर क्या है? किचन। वो कमरा कौन सा है? मास्टर बेडरूम। मुझे उसे चेक करना है। आई एम सॉरी, मेरे पति की गैरहाजिरी में वहाँ कोई नहीं जा सकता। फिर तो मुझे चेक करना ही होगा। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास करके मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम मामूली लड़की नहीं हो, बस इसी मुझ पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम यहाँ हो ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना नहीं बल्कि बचाना चाहती हूँ। तुम मुझे नहीं बचा रही हो, तुम अपने आप को बचा रही हो। तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना, बाथरूम में मैंने एक लाश देखी है, मुझे शक है कि वो खून तुमने किया है। तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, चलो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ पर है लाश? खुद आकर देख लो। ये नहीं हो सकता, कुछ तो राज जरूर है, मैंने वहीं पर लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, सब तुम्हारा वहम है। तुम्हारी पत्नी की मौत के बाद तुम्हें सब जगह लाश ही नजर आती है। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। पुलिस वाले भी बार बार यही बात कह रहे थे, क्या मैं सच में पागल हो गया? अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी की मौत के बाद जो गहरी चोट तुम्हारे दिल को पहुंची है, उसी सदमे में तुम्हें ये सब नजर आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच है, और उसी गुस्से में मैंने तुम्हें मारा। आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं लोग समझते हैं मेरी पत्नी का खून मैंने ही किया है। नो नो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तुम्हारे हर सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
अब मैं कौन हूँ मुझे कोई नहीं पहचान सकता। चाहे जो हो जाए आज मैं अपना टैलेंट दिखा कर ही रहूंगा। अब कौन आया है? दिखने में तो वो बिल्कुल लंगूर के जैसा लगता है। इस वक्त तुम्हारे घर की वो बेल बजा रहा है, लगता है शायद उसे कुछ चाहिए। आप कौन है? मेरा नाम मनीष कोइराला, मेरा गांव नेपाल, मेरा काम गोरखा। आपको मैंने पहले भी जरूर कहीं देखा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ क्राइम बहुत बढ़ गया, इसलिए यहाँ की सरकार ने मुझे स्पेशल प्लान करके बुलाया है आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, आइए अंदर आइए। आता हूँ, जल्दी आइए ना। आप इस एरिया में क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर आपको अंदर क्यों बुलाया है ये आपको जरूर बताऊंगी। मैं समझ गया, दूध पिलाने के लिए आपने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं ड्यूटी पर सोऊं नहीं। दूध या चाय? नहीं, चाय चाय चाय। ना दूध मिलेगा ना चाय मिलेगी, जाओ। मेरी प्रॉब्लम क्या है आप समझ नहीं पा रही हैं? जब से आपको देखा है होश खो बैठा हूँ, अब नाम मत कीजिएगा, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। एक बार क्यों, रोज ही आपको मिलेगी। रोज की बात छोड़िए, कम से कम आज चाय की खुशबू तो लेने दीजिए मैडम। ओहो, तो ये बात है। बहुत कुछ है। ठीक है, मैं लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है, लगता है आज चाय मिल ही जाएगी। क्या हुआ आपको? आप पूछ रही हैं क्या हुआ? अरे कोई आकर मुझे धोकर चला गया मैडम। ऐसा क्या? ऐसा क्या, आप ही मुझे पकड़ो। तो भूत ने आके आपको मारा? घर में भूत है? पहले भी आपके जैसे यहाँ कोई आया था, भूत ने उसका गला दबा कर उसे मार डाला। बाप रे, इस घर में भूत है, आप मुझे भागने दीजिए। तुम इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हो, या तुम्हारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे? मेरे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, किसके बारे में आपको बताऊं बोलिए? तुम्हारे पूर्वज सच में थे तो मैं उनका आदर करता हूँ, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मेरा आदर करोगे। अब बताओ, तुम्हारे पूर्वज के सामने गुंडे ने किसी लड़की का रेप किया और मान लो तुम्हारे पूर्वज ने उसे रेप करते हुए देखा, उन्होंने पुलिस को हादसे के बारे में सब कुछ बताया, अब बताया तो कैसे बताया? कौन है तू? पिज़्ज़ा बॉय सर। अच्छा, तो फिर हाथ में डंडा और ये खंजर क्यों है? पार्ट टाइम के लिए गोरखा सर। सर, मैं समझ गया है कौन है, लफड़ेबाज। अरे वाह, पहले हाथ मिलाओ। तुम बड़े शाणे हो। वो भाग गया सर। अरे रुक रुक रुक। सर, वो हमसे भी तेज भाग रहा है, पकड़ में नहीं आएगा। अब हमें कुछ और प्लान करना होगा, है ना? आपकी एज बड़ी है, आपका पेट बड़ा है, आप उसके जितना दौड़ पाएंगे क्या? ए, मेरी उम्र और मेरी तोंद का बहाना ना बनाओ, तुम थक कर रुक गए इसीलिए वो भाग निकला। मैं तो सिर्फ आपके लिए रुक गया। ए, रेप करने वाला कभी रुक के बताता है कि उसने रेप किया? हाँ। वो तो भाग जाता है ना। हाँ, मैं भी वही किया। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आगे के लिए याद रखना। अबे रुक रहे, भाग जाता है। अरे बेवकूफ, तेरी वजह से वो हमारे हाथ से भाग गया और उसे पकड़ने के चक्कर में हमारी आधी क्वार्टर उतर गई। उसे फिलअप करने के लिए आधी क्वार्टर और लगानी होगी। ये लो, दो घूट मार लो। लो, नहीं मूड नहीं है। हाँ, तो फिर मैं अकेला ही पी लूंगा, इसे यहाँ रहने देता हूँ। तू बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। ए, तू उधर देख, मैं हल्का होता हूँ। पता नहीं कहाँ भाग गया। क्या रे, मेरा मूड नहीं कहकर तू आधी बोतल खाली कर गया। गुरुजी, मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं पी है। अरे तो फिर किसने पी है? क्या पता, तेरे अलावा और कोई है? चले गए, यहाँ से निकल लो वरना मार मार के कच्चू मार बना देंगे। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसके लिए तूने मुझे जेल भिजवा कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। हेलो, हेलो, मैं जानकी बोल रही हूँ। क्या बात है जानकी, इस समय फोन किया, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बस एक बुरा सपना देखा। अंकल, जीजा जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? अभी तक तो नहीं बेटी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ही ढूंढने में लगा हुआ है। पता नहीं अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डोंट वरी। ओके। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने जो बयान दिया है ठीक वैसा ही बयान जगन ने भी दिया है सर। Is it? हेलो। हाँ बोलिए शर्मा जी,
कुछ पता चला क्या? कुछ सबूत मिले हैं। उसका केस किसी तरह कोर्ट से खारिज करवा दीजिए, वो उतना बड़ा इंसान नहीं है। देखिए शर्मा जी, किस केस का क्या करना है ये हम जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर लूंगा। लॉयर शर्मा जी थे जगन के बारे में। क्या बात है सर, वो इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जगन एक सेलिब्रिटी है ना, वो इस मर्डर केस में फंस गया है तो जाहिर है सबको इसमें दिलचस्पी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मर्डर जगन ने ही किया है सर। वो क्यों? साफ बात है सर, जगन का नाम भी है और उसकी पहुंच भी है, इसीलिए बिना डरे उसने मर्डर कर दिया। साली से शादी करना चाहता था इसीलिए बीवी को मार डाला। सभी लोगों ने उसे पागल करार दे दिया है, मान लो वो सच में पागल ही है, ऐसे में उसका साली के साथ कैसा बिहेवियर होगा? सच में वो पागल नहीं है सर, वो हम लोगों को पागल बना रहा है। हम सब लोग उसे पागल पागल कह रहे हैं, इसीलिए उसे एक अच्छा बहाना मिल गया है। हेलो सर, मैं जानकी बोल रही हूँ, मेरे जीजा जी के बारे में कुछ पता चला? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ बयान देकर मैंने केस दर्ज किया है, इसके लिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। Something is wrong. Let's go. तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? हवा से खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, इसीलिए डर के मारे में चीख पड़ी। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ आई गए हैं तो अंदर चलकर सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जगन के बारे में काफी सोचती हो, बार बार तुम्हारे दिमाग में उसी के ख्याल आते हैं, है ना? जी हाँ सर, इसीलिए रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आती। इंस्पेक्टर। हाँ सर। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक कर लो। यस सर। ये एंट्रेंस कैसा? ये तुम्हारा बेडरूम है ना? जी हाँ सर। मतलब इस बेडरूम का मेन एंट्रेंस यही है क्या? हाँ। मतलब कि जगन के बेडरूम और तुम्हारे बेडरूम का एंट्रेंस एक है? ओह, इंटरेस्टिंग। जैसा आप सोच रहे, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है सर, आई हेट हिम। वो किस लिए? प्यार करके उन्होंने मेरी दीदी से शादी की और उसे जान से मार दिया। अरे ये यहाँ कैसे फंस गया? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, तुम बहुत खूबसूरत हो और एक सेलिब्रिटी की साली भी हो। मुझे ये बताओ, इतने बड़े शहर में तुम अकेली कैसे रहती हो? You must be having a boyfriend. मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर, मेरी दीदी की मैरिड लाइफ देखने के बाद क्या बताओ सर, मुझे शादी से नफरत हो गई है। चलो इंस्पेक्टर। सर सुनो जानकी, इस केस के बारे में हमें और जानकारी चाहिए तो हम दोबारा जल्दी आएंगे। ओके सर। और अगर तब तक तुम्हें कोई जानकारी मिले तो मुझे फोन करना। ओके ठीक है। या बाय। थैंक यू। चलो। यस सर। नो, फोन मत उठाना। हेलो। यस सर। कल सुबह हैदराबाद से कोलकाता की ट्रेन कितने बजे की है? मॉर्निंग 4:30 की है सर। ओह, मॉर्निंग 4:30 की है। जी सर। थैंक यू। ओके ज्योति, मैं निकल रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये पैसे अपने पास रख लो, तुम निर्दोष हो ये साबित करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, उस वक्त तुम्हें ये काम आएंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? अब कहाँ जाओगे? ये मैं खुद भी नहीं जानता, ये पुलिस वाले, ये मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मेरी बीवी की यादें और इस घर में बिताए हुए पल, इन सब से मैं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसका खून मैंने नहीं किया, मेरी इस सच्चाई को सिर्फ तुमने ही माना है, जिस पर पूरी दुनिया ने यकीन नहीं किया। तुम मेरी अपनी नहीं हो, फिर भी सिर्फ तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। जाकर देखो कौन है और किसी तरह से मैनेज कर लेना, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया बेटा? किस लिए अंकल? सब कुछ ओके है ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। राममोहन जी आए क्या? नहीं तो? जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी ने उठाया था, कौन था वो? पर यहाँ तो कोई नहीं था। नहीं नहीं, कोई तो था। जब मैंने फोन किया था तो कोई पड़ोसी यहाँ आया था क्या? कोई नहीं आया था अंकल। तुम रुको बेटा, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ।
मुंबई से बोल रहे हैं? राममोहन जी से बात करनी थी। राममोहन जी तो मुंबई में ही है। नहीं सर, वो तो मुंबई से हैदराबाद जाकर लौट आए हैं। हैदराबाद से लौट आए हैं क्या? जी सर। ओके, राममोहन जी तो इवनिंग फ्लाइट से यहाँ लौट आए हैं। लौट आए हैं, फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फ्लाइट आए हुए काफी देर हो चुकी है, आज ट्रैफिक भी नहीं है, फिलहाल उन्हें पहुँच जाना चाहिए था। मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग। डॉक्टर साहब, ये कैदी का ड्रेस देखिए। ये किसका? ये जगन का सर। ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? जगन ने जो कैदी का ड्रेस पहना था उसका नंबर 777 है। ड्रेस यहाँ है, इसका मतलब वो यहाँ यकीनन आया होगा। ज्योति, सच्चाई से पर्दा हटा दो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, पागल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हेलो, आई सी रुको रुको, कहाँ जा रही है? रुको, छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बुलाता हूँ। जान गया हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, वो लाश तुम्हारे पति राम मोहन की ही है, तुम्हें उसे मारा है। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा नाटक है, किसी इंसान की जान लेकर किसी और को फंसाने का प्लान कर रही हो, इसलिए उस लाश को तुमने वहाँ से गायब कर दिया। लाश कहाँ है बताओ? तो मुझे एक अच्छे इंसान लगे, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बीवी का खून तुमने ही किया होगा। सच्चाई जाने बिना तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शट अप, मैं पागल नहीं हूँ। राम मोहन की लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उसे कैसे गायब किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई साबित होने तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कोई आया है, तुम जल्दी से अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा, जाकर दरवाजा खोलो। देखो मेरी बात मान लो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, चाहता हूँ, लेकिन मेरी नजरें तुम पर है। मैडम, ये सीआईडी ऑफिसर प्रताप जी हैं। नमस्ते। नमस्ते, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जगन फरार होकर सीधा यहीं पर आया है, कहाँ है वो? सर मैं यहाँ पर हूँ। स्मार्ट मत बनो वरना मैं गोली चला दूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ इंस्पेक्टर। मिस्टर जगन, अपने लिए और मुसीबत मत बढ़ाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले सच्चाई क्या है ये तो जान लीजिए। मैं पागल नहीं हूँ सर, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं ये नाटक कर रहा था। कोई बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है सर, पहले मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया गया, फिर मुझे पागल खाने भिजवाया गया, उसके बाद मैं वहां से फरार हो गया, ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या क्या देखा ये मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। आप पहले बस मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चाहे आप दोबारा मुझे पागल खाने भिजवा दीजिए, प्लीज सर। सर इसकी बात मत मानिए, ये बिल्कुल पागल है, मुझे अकेला पाकर इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसे तुरंत अरेस्ट कीजिए सर, वरना ये क्या कर बैठेगा इसे खुद नहीं पता। सर इसका विश्वास मत कीजिए। हेलो ज्योति, गुड इवनिंग प्रताप जी। हेलो डॉक्टर। सर मैं आपको बिना बताए यहाँ आया, इसलिए माफी चाहता हूँ। अपनी पत्नी के खून के अलावा तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? जी हाँ सर, मुझे उस केस के बारे में आपको सारी जानकारी देनी है। जेल से फरार होकर जब मैं यहाँ पहुँचा, उस दिन आप यहाँ आए थे और मैं उस कमरे में था। उसके बाद? पहले तो ज्योति मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी, उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, फिर इसने मुझे ड्रिंक ऑफर किया, रात भर एक दूसरे को अपनी कहानी बताते रहे, और जब सब कुछ बता दिया तो एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगे थे। ये बिल्कुल झूठ कह रहा है सर, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। नहीं सर, उसके बाद मैं ऊपर इसके बाथरूम में चला गया था, तब मैंने वहाँ पर एक लाश देखी सर। लाश देखी? किसकी? आप यहाँ जिससे मिलने आए थे, आपका दोस्त और इसका पति राम मोहन। राम मोहन की लाश थी क्या? कोई फायदा नहीं सर, लाश घर में नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले कहते हो तुमने लाश देखी, फिर कहते हो कि लाश गायब हो गई, हम क्या समझे इसमें? ये आदमी बिल्कुल पागल है सर, पता नहीं क्या बके जा रहा है, कि शायद इसका वहम है। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे यहाँ आने से पहले ही राम मोहन जी यहाँ पहुँच चुके थे, इसने उनकी हत्या करके उनकी लाश बाथरूम में डाली थी, उसके बाद मैं यहाँ आया। वो लाश वहाँ से कैसे गायब हुई इस बात का पता लगाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास करे, बताओ लाश कहाँ है? यहाँ पर है सर। कांस्टेबल, ये लाश तुम्हें कहाँ से मिली?
बाहर बगीचे में पड़ी हुई थी सर। मिसेज राममोहन, जरा बॉडी को देखकर कह सकती हैं ये कौन है? हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए आप? आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। जी हाँ सर, मैंने बाथरूम में यही लाश देखी थी। तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। सर, किसी ने मेरे पति का खून किया है। सर, ये सरासर झूठ बोल रही है। She is bluffing. देखा उसने इंग्लिश में कैसे बात किया? She is bluffing कह रहा है। ये पागल जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और ये बिल्कुल गलत कह रही है। समझा क्या खेल है? मैडम की बात सच भी हो सकती है। सुन, ये इन्वेस्टिगेशन कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर हमें बगीचे में लाश नहीं मिलती तो चलो बॉटल ढूंढते। डेड बॉडी पड़ी है सर। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आई एम योर हेड, कम ऑन। जगन के केस का सारा डिटेल सब जानते हैं। हाँ जानता हूँ। सो व्हाट? सो सिंपल सर, जगन हॉस्पिटल से फरार होने के बाद सीधा यहीं पर आया। तब राममोहन जी जगन के बारे में टीवी पर सुन रहे होंगे, इसीलिए उनके साथ हाथापाई हुई होगी, और उसी में जगन ने राममोहन जी का खून कर दिया। सर क्या बकवास कर रहे हैं, जब मैं यहाँ आया था तब ये यहाँ अकेली थी। विल यू कीप क्वाइट? डॉक्टर आपकी क्या राय है? पागल होने की वजह से इसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जब ये फरार हुआ उस वक्त इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। ये इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि ये किसी का भी खून कर सकता था। मुझे लगता है इसी ने मारा होगा। आज तक मैंने सिर्फ दो बार लाश को करीब से देखा है। पहली बार अपने बीवी की लाश देखी थी और दूसरी यहाँ। वो लाश घर से बाहर कैसे गई? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ओके, पहले तुमने लाश देखी, फिर वो गायब हो गई, और इसके बीच क्या हुआ ये तुम्हें नहीं पता है? हाँ मुझे याद आया, इसे दरवाजा खोलने के लिए भेजकर मैं बेडरूम में जाकर छुप गया था। फिर की होल से मैंने सब कुछ देखा। ये ज्योति किचन की तरफ कुछ बहाना बनाकर गई थी, और उसके बाद वहाँ से निकलकर ये की होल के आगे खड़ी हो गई ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ। मुझे लगा ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। अब मेरे समझ में आया कि ये मुझे नहीं आप लोग से अपने आप को बचा रही थी। क्वाइट इंटरेस्टिंग, फिर क्या हुआ? ज्योति जब तक वहाँ पर थी मैं कुछ भी नहीं देख पाया। उसके बाद बाथरूम में जाकर देखा तो लाश गायब थी। हाँ मिस्टर जगन, बोलिए सर। तुमने कहा बेडरूम के होल से तुमने किसी और को देखा था। जी हाँ सर। उसे देखकर पहचान लोगे? डेफिनेटली पहचान लूंगा सर। ओह गुड। इंस्पेक्टर सर, तुम एक काम करो। जगन, हम अपने डिपार्टमेंट से एक स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, तुम्हें उसका चेहरा तो याद है ना? ये तो समय की बर्बादी है, वो हमारे बीच में ही है सर। हमारे बीच में ही है? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? जी हाँ सर, वो हमारे बीच में ही है, और वो कोई और नहीं ये है। हे पागल है क्या जो मेरी तरफ इशारा कर रहा है? मैं इससे पहले यहाँ डॉक्टर साहब के साथ ही आया था, उसके बाद आ जाया। मैं यहाँ अकेला कब आया था? राम मोहन की वाइफ के साथ उसी समय मेरी पहचान हुई थी। ज्योति, ये जो कह रहे हैं वो सच है? जी सर, ये कौन है मैं नहीं जानती थी। डॉक्टर साहब के साथ जब घर आए थे तब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी। सर ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने इन्हें अपनी आँखों से देखा है। वो तो ठीक है, कल शाम को तुम्हारे पति घर आए थे? नहीं आए थे। आखिरी बार आप उनसे कब मिली थी? लास्ट वीक जब वो मुंबई जा रहे थे, उसके बाद नहीं मिली। मतलब उसके बाद आपने अपने पति को नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा। जरा एक बार सोच के बताओ। ये सर, आई एम श्योर। फिर ये बोर्डिंग पास यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारे बाथरूम से मिला है मुझे। इस बोर्डिंग पास के हिसाब से तुम्हारे पति आज शाम को मुंबई से यहाँ आ चुके थे, फिर तुमसे नहीं मिले। वो लौट आए हैं ये मैं नहीं जानती थी, और ये टिकट वहाँ कैसे पहुँची ये भी मुझे नहीं पता सर। सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या है बोलो। जब जगन राममोहन जी की लाश को ठिकाने लगा रहा होगा तभी ये बोर्डिंग पास वहाँ पर गिर गया होगा। ये फिर झूठ बोल रहा है सर, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया, किया होता तो मैं यहाँ से फरार हो गया होता। लाश को देखने के बाद मैंने ही आप लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया था। What?
मैं जेल से फरार हुआ जगन बोल रहा हूँ। बंजारा हिल हाउस नंबर 20 में जल्दी आइए सर। उस केस से बचने के लिए शायद तुमने ये प्लान किया होगा, और इनको भी तुमने ही मारा है। प्लीज सर, मैंने किसी को नहीं मारा, ये मर्डर मैंने नहीं किया। तुम्हारी पत्नी के मर्डर केस की फाइल मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है, तुम्हारी सारी दलीलें वेस्ट है। मैंने बहुत सारे पागलों को देखा है, लेकिन कत्ल करके उससे बचने के लिए पागल की एक्टिंग करने वाला पहली बार देख रहा हूँ। सिगरेट लेंगे? नो थैंक्स। जगन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सर, इनसे पूछिए कि लाइटर इन्हें कहां से मिला। ये क्या बेतुका सवाल है, कहीं से भी मिल सकता है, छोड़ो इन्हें। मैंने इसे इनऑर्बिट मॉल से खरीदा है। सर, ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं, ये लाइटर मेरा है। मतलब ऐसा लाइटर कहीं और नहीं मिलता क्या? मिलता है सर, लेकिन इसमें मेरी खास निशानी है। वो क्या है? मेरी साली ने मुझे गिफ्ट किया था, चाहिए तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। श्रीनाथ, जरा वो लाइटर देना। इंस्पेक्टर सर, जरा जानकी को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। यस सर। डॉक्टर बोलिए सर। ये बात अगर सच साबित हो जाती है तो ये सबूत इस केस के लिए बहुत अहम सबूत साबित होगा, और इसीलिए जानकी के आने के बाद ही जगन सच बोल रहा है या झूठ ये पता चलेगा। हेलो जानकी जी। हाँ बोलिए। मैं इंस्पेक्टर दीवान बोल रहा हूँ। आपके जीजा जी को हमने पकड़ लिया है। ऐसा क्या? आप तुरंत प्लॉट नंबर 363 रोड नंबर 71 बंजारा हिल में पहुंचिए। आओ जानकी, सही वक्त पर आई हो। आपने इन्हें पकड़कर बहुत अच्छा किया, अब मैं बिना डरे रह सकती हूँ। इन्हें आप जेल में डाल दीजिए। वो तुम हम पर छोड़ दो, हमने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया। जानती हो यहाँ एक और मर्डर हो गया है। What? यहाँ जो सबूत मिला है उससे ये साबित होगा ये खून जगन ने किया है या किसी और ने। अब बताओ क्या तुम इस लाइटर को पहचानती हो? जानकी, वो लाइटर तुम्हें। You keep quiet। ये लाइटर, हाँ मैंने ही इन्हें गिफ्ट किया था, उसी दिन मेरी दीदी की मौत हो गई। अच्छा, ये तुमने दिया है उसका सबूत क्या है? देखिए मेरी निशानी, जेफो जानकी। जेफो ज्योति, ज्योति ने मुझे ये लाइटर दिया था सर, है ना ज्योति? हाँ हाँ, मैंने दिया था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हो ना? ए, ये कैसी बात कर रहे हो श्रीनाथ? अभी तुम कह रहे थे तुम इसे जानते भी नहीं हो, फिर वो ये लाइटर तुम्हें कैसे दे सकती है? सर, आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में आएगा भी नहीं, मैं सब साफ करके तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे और ज्योति के बीच में नाजायज संबंध है, am I right? Hello sir, mind your language, okay? Will you keep quiet? डॉक्टर, ज्योति और श्रीनाथ इन दोनों ने मिलकर ही राम मोहन का खून किया है। खबरदार, सच्चाई जानने के बाद सफाई देना फुलिशनेस होगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो आई एम गोना शूट। कंट्रोल योरसेल्फ श्रीनाथ, बेहतर है सरेंडर करो, देन वी विल ट्राई टू हेल्प यू। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से सेफली बाहर निकालने का इंतजाम करो। डू इट क्विक, वरना तुम में से यहाँ कोई भी नहीं बच पाएगा। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने जो पाप किया उसमें तुमने मुझे भी अपना भागीदार बना लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जैसों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब है। ऐसा क्यों किया तुमने, यू ब्लरी इडियट? अब बताओ राम मोहन को क्यों मारा तुमने? ज्योति, 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 कहाँ हो तुम? ज्योति, कम ऑन यार, यू ब्लडी फूल, मेरे घर में क्या कर रहा है तू? वो भी मेरी बीवी के साथ मेरे कमरे में। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। इंस्पेक्टर, ले चलो इन्हें। यस सर, कम ऑन, मूव। वेल डन जगन। थैंक यू सर। तुम्हारे दिए हुए क्लू से हम सही मुजरिम तक पहुंच पाए हैं। तुम सच में निर्दोष हो ये साबित हो गया। थैंक यू सर। जगन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। प्रताप जी, जगन निर्दोष है। आई नो। एनीवे, तुम्हारा केस तो अभी भी बाकी है, तुम्हें हमारे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा, और तुम्हें भी, तो चलें। वो पागल मेरे पीछे पड़ा है, मैं फैक्ट्री की ओर जा रहा हूँ, जल्दी आओ। तुम
उधेड़ दो इसकी। किसे अरेस्ट करना है और किसे नहीं हम जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है सर, एक मुजरिम को अरेस्ट करने के बजाय मेरे सामने आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। जगन से कोई जाती दुश्मनी है? तुम उसे चाहती थी और तुम्हारी जगह उसने तुम्हारी दीदी से शादी कर ली। जगन के पास नाम और शोहरत है जो शादी के बाद तुम्हारी दीदी के नाम हो गयी। उसे मार कर तुम सब हड़पना चाहती थी। जगन को फंसा कर अच्छा खेल खेला तुमने। उसकी सारी धन दौलत को अपना बनाने के लिए तुमने बड़ी चालाकी से यह सब षड्यंत्र रचा है। मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं अपनी दीदी को क्यों मारूंगी? आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ए, कूल कूल रिलैक्स, बैठ जाओ बैठो। ये हमारे इंटरोगेशन करने का एक तरीका है, डोंट वरी। कूल, हैव सम वाटर, कम ऑन रिलैक्स। अच्छा ये बताओ तुम क्या फैशन डिजाइनर हो? नहीं सर। एक्चुअली तुम्हारी ये फैशनेबल बैंगल देखकर मुझे ऐसा लगा। मेरी बेटी को भी ऐसी चीजें पसंद है, जरा दिखाओगी मुझे? वाओ, ये अच्छा है। ये क्या हुआ, लगता है ये टूट गया है। तुम्हें मालूम है ये कब और कैसे टूटा? मालूम नहीं, ये कब इससे निकल गया और कहाँ पर गिर गया मुझे पता नहीं सर। लेकिन मुझे पता है, देखना चाहोगी? कोई लेना देना नहीं है सर। डोंट ब्लफ। चाहती हो कि मैं तुम्हें थर्ड डिग्री दूं, इंस्पेक्टर? नहीं सर, मैं बताती हूँ। वो ऐसा हुआ कि
चाची फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अजय बोलो जानू। दीदी और जीजू फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारी शादी की बात उनसे करना बहुत जरूरी है, तुम मुझे ड्रॉप करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल ड्रॉप कर दूंगा डार्लिंग। हाँ वो तो हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दीदी दीदी आपको क्या हुआ? दीदी जानकी बोलो ना क्या हुआ? जानकी अजय एम्बुलेंस को फोन करो, तुम ही बाहर जाकर फोन करो। मेरी बेइज्जती करने वाले को मैं नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं सीधा शमशान घाट पहुंचाऊंगा, तुम्हें मरना होगा। अजय क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मैं इसे मार दूंगा। अजय तुमने मेरी दीदी को क्यों मारा? तुम्हारे जीजा के लिए मेरी तरफ से ये पहला तोहफा है, अब तुम्हारा जीजा हमारी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा क्योंकि वो जेल में होगा, वो चक्की पीसेगा और हम अय्याशी करेंगे। पुलिस को फोन करके बोल दो कि तुम्हारी दीदी को तुम्हारे जीजा ने मारा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सर, टेक हर इनटू कस्टडी। यस सर। मूव। मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो माइकल। हाँ सर बोलिए। अजय एक खतरनाक मुजरिम है, वो तुम्हें बंजारा हिल के प्लॉट नंबर 72 में मिलेगा, जाकर उसे अरेस्ट करो, कम ऑन क्विक। ओके सर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एनीवे जगन रिलैक्स, तुम्हारे फैंस तुम्हारी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, लेट्स गो। जगन, ज्योति के हस्बैंड के मर्डर केस में तुम्हारे दिए गए क्लू की वजह से हम नतीजे पर पहुंचे थे। बाय द वे तुम्हारी वाइफ के मर्डर केस से तुम्हें बाइज्जत बरी किया गया है। जगन तुम निर्दोष हो। थैंक यू वेरी मच।